आओ बेटी, बेटी दरवाजा खोलो। खुदा के लिए हमें परेशान मत कीजिए अब्बा हुजूर, आप चले जाइए यहाँ से, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। टी, देखो तो कौन आया है। हम किसी से मिलना नहीं चाहते अब्बा हुजूर, हमने कहा ना हमें अकेला छोड़ दीजिए। बेटी, जिस नेक इंसान की हमें तलाश थी वो हमें मिल गया है, खुदा के फजल से सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अब्बा हुजूर, कुछ ठीक नहीं होगा, हमारी किस्मत में बस इसी तरह घुट घुट के जीना लिखा है, घुट घुट के। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये शहजादे यमन है, ये हातिम बिन ताई है। आओ बेटी, बेटी ये यही तो है हमारी बेटी। सुभान अल्लाह, हुस्न जमाल में तो आपकी बेटी लाजवाब है। लाजवाब थी शहजादे यमन, लाजवाब थी, कभी ये तस्वीर वाकई लाजवाब हुआ करती थी, मगर आज कुछ भी नहीं। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। कहते हैं इंसान को उसके किए की सजा ऊपर मिलती है, मगर हम अपने किए हुए गुनाहों की सजा इसी दुनिया में भुगत रहे हैं। हम फिर भी कुछ नहीं समझे। जिस तस्वीर को देखकर आज आपके होंठों से सुभान अल्लाह निकला था, वो तस्वीर हमारा गुजरा हुआ कल है शहजादे, हमारा गुजरा हुआ कल, मगर हमारा आज ये है। शहजादे, ये इबरत की जीती जागती मिसाल है। जब इंसान अपनी इंसानियत को भूलकर जानवरों जैसा अमल करने लग जाता है तो खुदा उसे जानवरों से भी बदतर बना देता है। पहेलियां मत बुझाइए बादशाह हुजूर, हमें साफ साफ बताइए कि आपकी बेटी का यह हाल क्यों कर हुआ। शहजादे, शादी के बाद हमें एक बेटे की तमन्ना थी, मगर खुदा ने हमें बेटी दिया। हमें अफसोस तो जरूर हुआ, मगर हमने अपनी बेटी को बेटे की तरफ पालने का फैसला कर लिया। हम अपनी बेटी को शहजादों के लिबास में देखते तो खुशी से फूले नहीं समाते। हमने इसे तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी सब कुछ सिखाया, ताकि कोई ये न कहे कि बेटी है। हम जब शिकार पर जाते तो हमेशा इसे अपने साथ ले जाते। एक दफा की बात है कि मेरी बेटी शिकार पर अकेली चली गई।
दिखाई नहीं देता बुड्ढे फकीर? हम रीछ का शिकार कर रहे हैं। लेकिन ये तो बेजुबान जानवर है। जानवर तो बेजुबान ही होते हैं। बेटी, शिकार करना बहुत बड़ा गुनाह है। हमें मत सिखा बुड्ढे फकीर। अगर शिकार करना गुनाह है तो जा, जाकर रोक उस शेर को जो हिरन का शिकार करता है, उस बाज को रोक जो चिड़िया को अपने पंजे में दबोचता है, उस हंस को रोक जो मछली को अपना निवाला बनाता है। बेटी, शेर हिरन का शिकार इसलिए करता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। बाज चिड़िया को अपने पंजे में इसलिए दबोचता है ताकि वो अपना पेट भर सके, और हंस मछली को निवाला अपनी खुराक के लिए बनाता है। लेकिन तुम इस रीछ का शिकार किस लिए कर रही हो? ये तो तुम्हारी खुराक भी नहीं। हम इसे अपने शौक के लिए मार रहे हैं, और फिर ये तो हमारा सौवा शिकार है। इसके बाद इस रियासत में हमारे बराबर का कोई दूसरा शिकारी ना होगा। ये शौक नहीं बेटी, ये शौक नहीं, ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। अपने सीने पे बहादुरी का तमगा सजाने के लिए मैं तुम्हें किसी की जान नहीं लेने दूंगा। तू होता कौन है हमें रोकने वाला बुड्ढे फकीर? हम इस रियासत की शहजादी हैं। यहाँ हमारे अब्बा हुजूर की हुकूमत है। हुकूमत इस दुनिया पर सिर्फ एक ही की है, और वो है खुदा। मैं उसकी खुदाई में किसी बेजुबान पर जुल्म होते हुए नहीं देखूंगा। तो फिर तू और तेरा खुदा दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लो। मगरूर शहजादी, बाज आ जा अपनी जिद से, वरना बहुत बुरा होगा। बुरा होगा? एक बूढ़ा कमजोर इंसान इस रियासत की शहजादी से कह रहा है कि बहुत बुरा होगा। लगता है तू अपने होश में नहीं है, या फिर अपनी औकात भूल बैठा है। औकात तो तू अपनी भूल गई है शहजादी। अपनी ताकत के नशे में तू अच्छाई और बुराई में फर्क भूल बैठी है। तेरी भलाई इसी में है कि तू तीर कमान से निकाल कर अपनी तरकश में डाल ले। एक बार जब हम अपनी कमान में तीर कस लेते हैं तो फिर वो सीधा शिकार के सीने में पेवस्त होता है। अगर तू हमारे रास्ते में आया तो हो सकता है हमारा तीर तुझे ही निशाना बना डाले। तेरे तीर में वो ताकत नहीं शहजादी जो मेरी तरफ पढ़ने की जरूरत भी कर सके। तो फिर ये ले। लगता है तू दरवेश नहीं, कोई जादूगर है। जादूगर मैं नहीं, जादूगर वो है, ओ तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी शहजादी। चली जा यहां से। नहीं, हम अपने सौवे शिकार को छोड़कर नहीं जा सकते दरवेश। देखा बुड्ढे फकीर, तू जिन आंखों से जादू दिखा रहा था हमने उन्हीं में धूल झोंक दी है। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शहजादी, तूने मुझ पर नहीं, तूने अपनी खुशियों पर खाक डाली है। मैं तुझे शिकार नहीं करने दूंगा।
शहजादी, या अल्लाह, ये क्या किया तूने शहजादी? ये क्या किया तूने शहजादी? तूने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। अच्छा किया या बुरा किया, मगर जो भी किया लाजवाब किया। रुक जा शहजादी, जितनी अच्छी तेरी सूरत है उतनी बुरी तेरी सीरत है। तो जा, ये दरवेश तुझे बद्दुआ देता है। ये खुदा ने जितनी बुरी तेरी सीरत बनाई है उतनी बुरी तेरी सूरत भी बना दे। जिस जानवर का तूने खून बहाया है तेरा चेहरा उस जानवर की तरह हो जाए। जब भी तू आईने में देखे खौफ और डर से तेरी चीख पुकार निकल जाए नहीं। और तुझे देखकर लोग इबरत हासिल कर एक शहजादी के मेरी आंखों में चेहरा दे। उस दिन के बाद से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो कब का अपने आप को खत्म करके हम इस बदतर जिंदगी से नजात हासिल कर लेते। मौत तो कोई इलाज नहीं शहजादी, इस परेशानी का कोई दूसरा हल भी तो होगा। शहजादे, हर तरह का इलाज करवाने के बाद जब कोई फायदा नहीं हुआ तो यही सवाल लेकर हम फिर उसी दरवेश के पास गए। गिड़गिड़ा कर हमने उससे मिन्नत की, ऐ खुदा दोस्त दरवेश, आज एक बादशाह नहीं एक बाप अपनी फरियाद लेकर आपके दर पर आया है। दरवेश बाबा, मुझसे अपनी बेटी की बेचारगी देखी नहीं जाती, उसके गुनाहों को माफ करके उसे जीते जी मरने से बचा लीजिए बाबा। ये मेरे बस में नहीं बादशाह, ये उस नेक नौजवान के बस में है जिसने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। वो तेरी रियासत में आएगा और तू उसे हमारे पास ले आना। अगर वो उस तलवार इस रीच के जिस्म से तीर निकालेगा और इस रीच का जख्म भर जाएगा तो तेरी बेटी का चेहरा अपने आप पहले जैसा हो जाएगा। जा बादशाह, का इंतजार कर, इंतजार कर बादशाह। अरे होगा जो खुदा राजी, काम आएगी जाबाजी, जीतेगा जमाने से तकदीर की हर बाजी।